नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश की अर्थव्यवस्था की। देश की अर्थव्यवस्था, ये आपसे, मुझसे, हम सबसे जुड़ी है। हमारी रोजी रोटी, हमारी गृहस्थी, हमारा खर्च, हमारी नौकरी, हमारी आमदनी, हमारे बच्चों का भविष्य और देश का भविष्य दरअसल अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। इस पर बहुत कम चर्चा होती है, लेकिन हम लगातार चर्चा कर रहे हैं। और आज अर्थव्यवस्था की इस चर्चा में मैं मंदी और महंगाई दोनों पर बात करने वाला हूं। अब आप कहेंगे, अरे भाई, हम जानते हैं संकट काल है, संक्रमण काल है, आपदा काल है, कोरोना काल है, सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं गोता लगा रही हैं। जी हां, हमारी भी अर्थव्यवस्था ने 23.9% का गोता लगा दिया है। अब इस बात को कितनी बार बताते रहोगे? दरअसल ये सिलसिला, ये समस्या यहीं नहीं थम रही है, यह इससे आगे बढ़ गई है, लेकिन इस पर चर्चा नहीं हो रही है। और यह आगे कैसे बढ़ी है? कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि आरबीआई ने भी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी, अब पूरे साल के लिए हमारी विकास दर का आंकलन -9.5%, यानी कि 9.5% के गोते की बात की है। और अगले साल हम ऊपर हो जाएंगे तो बात ठीक हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, उन्होंने देश की अर्थव्यवस्था के बारे में आकलन किया है कि यह 10.3% का गोता लगाएगी। अब ठीक है भाई, सबका हाल यही है, लेकिन सबका हाल ऐसा नहीं है। अब जो आंकड़े आ रहे हैं, जो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं हैं दुनिया भर में, भारत ने सबसे बड़ा गोता लगाया है। भारत सबसे बुरी आर्थिक स्थिति में है। चीन 1.9% पॉजिटिव, लगभग 2% की विकास दर दिखाएगा। रशिया -4.1, अमेरिका -4.3, जापान -5.3, ब्राजील -5.8, हमसे ज्यादा वहां पर कोरोना संक्रमण के चलते मौतें हुई हैं, लेकिन वो 4, 5, 2, 1 पर अटके हुए हैं। हम डबल डिजिट में गोता लगा रहे हैं। और जून से अब तक जो आकलन है, पहले हमारे बारे में भी कहा जा रहा था कि नहीं, हम 4.5 या -5% की विकास दर दिखाएंगे, इतना गोता होगा। अब डबल डिजिट के गोते की बात की जा रही है। सभी इकोनॉमी कहीं ना कहीं उभरती दिख रही है, लेकिन भारत अभी और नीचे जाता दिख रहा है। और इसमें एक और अहम खबर आ जाती है, अब इसको गौर से समझिएगा। बांग्लादेश हमारे देश से सटा हुआ एक मुल्क है, और बहुत चर्चा हुई पिछले साल CAA NRC को लेकर। बांग्लादेशी घुसपैठिए आ जाते हैं हमारे ही पैसों पर, हमारे ही संसाधनों पर हक जमाते हैं, वापस भेजा जाए, उसमें भी मुसलमान, उनको वापस भेजा जाए। वो बांग्लादेश भारत से कहीं ज्यादा अच्छी विकास दर दिखा रहा है। और विकास दर ही नहीं, अब आलम यह आ गया है कि प्रति व्यक्ति आय, आमदनी, पर कैपिटा GDP, इसे आसान भाषा में कहूं पर कैपिटा इनकम के मामले में अब बांग्लादेश भारत से ऊपर आने वाला है, भारत से आगे निकल जाएगा। यानी कि एक आम बांग्लादेशी, एक आम भारतीय आपसे, मुझसे, हम सबसे अमीर हो जाएगा। यह IMF का आकलन है। हालांकि उससे अगले साल हम उनसे आगे निकल जाएंगे, लेकिन बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल रहा है। और सिर्फ बांग्लादेश की बात नहीं है, इस पूरे खित्ते में जो सटे हुए हमारे पड़ोसी मुल्क हैं, प्रति व्यक्ति आय के मामले में नंबर 1 भारत नहीं था कि भाई बांग्लादेश आगे निकल जाएगा। श्रीलंका, मालदीव्स, अब 3rd नंबर पर बांग्लादेश, हम 4th नंबर पर हैं। तो कहीं ना कहीं क्या हम कुछ गलत नीतियां अख्तियार कर रहे हैं? हम पुश नहीं दे पा रहे हैं अपनी अर्थव्यवस्था को? यह पहिया क्यों नहीं घूम रहा है? और पहिया घूम नहीं रहा है, मंदी है, डिमांड नहीं है। एक कॉमन सेंस की बात है कि अगर मांग नहीं है तो प्राइसेस, जो दाम हैं, कीमतें हैं, वो कम होनी चाहिए। लेकिन इस मंदी के दौर में भी महंगाई डायन अपना मुंह बांधने लगी है। 7.34% पर हमारी महंगाई दर आ गई है, लेकिन इसमें पकड़ने और समझने वाली बात क्या है?
सब्जियां लगभग 21% की महंगाई दर दिखा रही है, दालें लगभग 14.5% उनके दामों में इजाफा हुआ है। और यहां पर अमूमन यह कहा जाता है कि नहीं, ये मौसमी फिनोमेना है, मौसम बदल रहा है, मौसम के चलते ये ऐसा मौसम आता है, इस वक्त तो महंगाई आती है। इसके बारे में भी मैं चर्चा करने वाला हूं। लेकिन ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, मंदी के मौसम में महंगाई क्यों, और हमसे आगे कैसे निकल गया बांग्लादेश? चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, अर्थव्यवस्था को भली भांति समझते हैं, गोपाल कृष्ण अग्रवाल, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत, खुद बिजनेस जर्नलिस्ट रह चुकी हैं, एडिटर रह चुकी हैं, मेरे साथ अरुण जैन हैं, अर्थव्यवस्था को भली भांति जानते हैं, समझते हैं, पैसिफिक रिम बिजनेस चेंबर के अध्यक्ष हैं, वरिष्ठ पत्रकार आनंदो चक्रवर्ती मेरे साथ हैं, और कलिकेश नारायण सिंह देव बीजेडी के युवा चेहरा हैं, सांसद रह चुके हैं, न्यू इंडिया को रिप्रेजेंट करते हैं, वो भी इस चर्चा में आने वाले हैं। तो गोपाल बाबू, जो ये आंकड़े आ रहे हैं, देखिए सारी दुनिया में संक्रमण फैला हुआ है, सब अर्थव्यवस्थाएं गोता खा रही हैं, लेकिन गोते में हम अव्वल निकल रहे हैं। हम कहीं ज्यादा, चीन हो, यूएस हो, रशिया हो, जापान हो, ब्राजील हो, उनसे ज्यादा गोता लगा रहे हैं। कुछ गलत कर रहे हैं क्या हम? देखिए आप संदीप जी, आप अर्थव्यवस्था पे सबसे ज्यादा चर्चा करते हैं और उसकी बारीकियों में जाते हैं। आपने आज बहुत सारे आंकड़े गिनाए, लेकिन फिर आपके ऊपर मुझे एक ऑब्जेक्शन है कि आपने कुछ आंकड़े छुपा लिए। जी, अगर बोलना है तो पूरे निष्पक्ष रूप आप बोलिए ना, पूरे कर दीजिए, मुकम्मल कर दीजिए आंकड़े। हाँ, तो उसने उसी रिपोर्ट में आगे क्या कहा है, 2021 में भारत की अर्थव्यवस्था की जो गति है वो 8.8% रहेगी और बांग्लादेश की 4.4% रहेगी, और उसके अनुसार हम विश्व की सबसे तेज गति से अर्थव्यवस्था बढ़ने वाले 2021 में भारत बन जाएगा। ये मैंने इशारा किया था, आपने एग्जैक्ट डिटेल दे दी। मैं एक सेकंड के लिए आपको रोक रहा हूं, मैं थोड़ा ये दर्शकों को समझा दूं। देखिए, जब ये गोते की बात होती है ना दर्शकों, ये आंकड़े ना बहुत कुछ बताते हैं, बहुत कुछ छिपा जाते हैं। हम 10.3%, आप 10% एक मोटा मोटा आकलन ले लीजिए, उसका गोता लगाते हैं तो हम 100 रुपए की हमारी कीमत थी, हमारी वर्थ थी, तो हम 90 रुपए पर आ गए, और अगले साल हम 8.8% बढ़ जाएंगे तो 90 का 9% मान लो, 9×9=81, तो हम 98.10 रुपए के हो जाएंगे। अब एक अर्थव्यवस्था है जो अभी गोता लगा रही है, और बांग्लादेश गोता नहीं लगा रहा, वो पॉजिटिव में है, वो पहले ही 100 पर है, वो 102 हो जाएगा, और अगले साल वो चलिए 3% ही बढ़ता है या 4% बढ़ता है तो भी वो 106 रुपए हो जाएगा और हम होंगे 98 रुपए। मैं गलत तो नहीं समझा रहा हूं गोपाल कृष्ण अग्रवाल? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। तो सबसे बड़ी बात यह है कि यह जो 10 से ऊपर की जो गोते की बात, IMF की बात आप कर रहे हैं, तो वह उसका कारण कोविड है। और हम क्या कह रहे हैं कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है तेजी से रिकवर करेगी। बाकी अर्थव्यवस्थाएं इतनी तेजी से रिकवर कैसे कर गई, हमारी क्यों नहीं की? ब्राजील में संक्रमण के चलते मौतों का आंकड़ा हमसे ज्यादा है, संक्रमण के मामले में अमेरिका हमसे ज्यादा है। अमेरिका में गोता है -4.3% का, ब्राजील में 5.8% का जीडीपी ग्रोथ है। नहीं संदीप जी, उसकी अगले साल की ग्रोथ कितनी है? 3.2 जी। तो चार उसकी, तो फिर वह तो फिर अगर उसकी 4.5 से गिर रही है अर्थव्यवस्था और अगली बार उसकी 3.2 से बढ़ रही है, तो फिर उस प्रपोर्शन में हमारी उसी हिसाब से बढ़ रही है ना। तो यह आपकी बात को मैं मानता हूं कि अर्थव्यवस्था अभी मुश्किल दौर में है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आज के समय में, जब आपने लॉकडाउन किया तो अर्थव्यवस्था की एक्टिविटीज तो बंद होंगी। अब इम्पोर्टेंट है कि क्या सरकार के वर्तमान प्रयास से हमारी अर्थव्यवस्था वापस तेजी से पुनः अपने स्थान से पहुंच रही है कि नहीं, वह बात यहाँ से स्पष्ट सामने आ रही है। दूसरी बात संदीप जी, एक चीज और आपको ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार ऐसी स्थिति में क्या करेगी। सरकार का काम है कि एक तो कोविड की समस्या को कंट्रोल करना। तो आज जो देश की स्थिति को आप देखेंगे, विश्व स्तर पे भी हमने जितनी भी समस्या है, ऐसा नहीं है कि समस्या को मैं कम आंक रहा हूं, फिर भी
सरकार ने अपने प्रयासों से उसको भारत की हेल्थ नहीं नहीं प्रयासों की जहाँ तक बात है ना गोपाल संदीप जी मुझे 20 सेकंड और दे दीजिए। नहीं नहीं एक मिनट लीजिए, एक मिनट लीजिए, हम चर्चा करते हैं, बहस नहीं, आप एक मिनट लीजिए। हाँ तो मुझे पूरी बात करने दीजिए। तो अगर अब हमारा यहाँ पे जो स्वास्थ्य का इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह था उसकी स्थिति देखते हुए जो हमने इनहेरिट किया था, हमने आज के समय में कोविड को रीजनेबली और अच्छी तरह से संभाला है। अब अगर हमारी इकोनॉमिक रिकवरी के पाथ को अगर सरकार क्या करती है तो उसमें रिफॉर्म सबसे महत्वपूर्ण है। तो आज एक और आर्टिकल बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है जिसमें पूरी तरह से बताया है कि जो हमारी सरकार है मोदी जी ने जो रिफॉर्म इस वक्त लिए, चाहे लेबर का ले लो, लैंड का ले लो, ये जो लेबर का है और एग्रीकल्चर का है, IBC का, फाइनेंशियल मार्केट का है, इन सारे रिफॉर्म्स के अंदर आज चाहे हमारे अटल जी के समय को भी, मनमोहन सिंह का समय तो पीछे रह गया, वो तो बहुत स्लो है, लेकिन सबसे बड़ा हमारे यहाँ रिफॉर्म का पीरियड आता था। ठीक है, नरसिम्हा राव जी आप, आप रिफॉर्म कर रहे हैं ना, लेकिन आप ये कहते हैं ना, ये लेगेसी इश्यूज की जब बात करते हैं, आपको कितनी विकास दर मिली थी हेल्थ के लिए? एक मिनट, मेरी बात सुन लीजिए, मैंने आपको 20 की जगह एक मिनट का वक्त दिया। एक मिनट गोपाल बाबू, लेगेसी इश्यूज की जब आप बात करते हैं, अर्थव्यवस्था 8.5% की विकास दर थी और वो गिरते गिरते पिछले 2 सालों से, 8 तिमाही से, अब ये 9वीं तिमाही का तो मैंने बता दिया, 6.8 से गिरते गिरते 3.1 पर आ गई। तो आप वो रिफॉर्म की बात मत कीजिए। और एक मिनट, फिस्कल स्टिमुलस की जो बात करते हैं, अभी 3 दिन पहले आपने LTC में जी 1,00,000 करोड़ तक का आंकड़ा बता दिया कि कंजम्पशन बढ़ जाएगी, सरकारी कर्मचारियों की जेब में पैसे आ जाएंगे। वो पैसे क्या आएंगे, वो दरअसल क्या दिया है? अगर मैं सरकारी कर्मचारी हूं, 20,000 रुपए का LTA है, उसका इस्तेमाल करने के लिए मुझे दरअसल 60,000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे। गलत आंकड़ा तो नहीं बता रहा, आप तो CA हैं, आंकड़े मुझसे बेहतर जानते हैं। मतलब मुझे कह रहे हो 60,000 रुपए खर्च करो तो 20,000 की छूट मिल जाएगी। ये फिस्कल स्टिमुलस है आपका? नहीं, ये तो कैश कंपोनेंट है, कोई ट्रैवल करने के लिए थोड़ी दिया है। हाँ तो वही कैश कंपोनेंट ही तो, ट्रैवल जो कर रहा था अब कैश में मिल जाएगा। तो ये तो जो वो अगर आप ये कंडीशन लगाते कि आप घूम कहीं जाओगे तब आपको LTC देंगे, तब आप तो यह जो 20,000 का है ये तो सीधा एनकैशमेंट है, मल्टीप्लायर नहीं। उसको एनकैशमेंट के लिए मुझे 40,000 और खर्च करने होंगे ना, कुल मिलाकर 60,000 करूंगा खर्च। फिस्कल स्टिमुलस का क्या फायदा होता है उसका? अगर आप मल्टीप्लायर इफेक्ट, अगर मैंने 10 रुपए खर्च किए, आपने उस दर आपको वो मिले, आपने उसमें से आगे किए, तो यह तो अगर अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो इन सब चीजों का कुछ ठीक तो नहीं हो रहा ना। बाकी देश, एक मिनट सुप्रिया श्रीनेट, बाकी देशों में गोते की जो इंटेंसिटी है वो कम है, हम जबरदस्त गोता लगा रहे हैं, कुछ तो हम गलत कर रहे हैं? या दरअसल जो गोपाल बाबू कह रहे हैं कि देखिए अगले साल विकास दर 8.8% होगी तो हम बराबर आ जाएंगे, जितना गिरे हैं उतना ही हम चढ़ जाएंगे। ऐसा है कि गोपाल कृष्ण अग्रवाल वैसे तो बड़ी बेबाक बातें करते हैं, पर आज इस बार इसलिए अटक अटक के बोल रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि वो डिफेंड कर रहे हैं इनडिफेंसिबल को। वो ये समझ नहीं पा रहे हैं, जो आपने सवाल पूछा ये सच आपने पूछा कि 20,000 खर्च करने के लिए 35,00,000 एम्प्लॉइज जिसको इसका बेनिफिट मिलेगा उनको 60,000 खर्चा करने पड़ेंगे, लेकिन साथ ही में वो अपनी मनपसंद चीजों पे खर्चा नहीं कर सकते। 12% GST की वैल्यू 12% से अधिक टैक्सेशन की हो वही लेनी पड़ेगी, GST दुकान से ही लेनी पड़ेगी और कैश नहीं डिजिटल पेमेंट करना पड़ेगा, GST की कॉपी देनी पड़ेगी और 31 मार्च से पहले लेना पड़ेगा। ये तो इनका फिस्कल स्टिमुलस है। खैर वो छोड़िए, फिस्कल स्टिमुलस इन्होंने जिस पॉपुलेशन को मिलना चाहिए उसकी आज भी बात नहीं करते, मैं वो भूल जाती हूँ। मैं सच का सामना कराना चाहती हूँ गोपाल कृष्ण अग्रवाल को। सच तो ये है कि अभी तक आप मान ही नहीं रहे कि हमारी इकोनॉमी में दिक्कत क्या है। और संदीप जी आपने एक बात का जिक्र नहीं किया, इनकी सारी IT सेल, इनके सारे PMO के सोर्सेस, सारे मंत्री लगे पड़े हैं ये कहने में कि हाँ हाँ पर कैपिटल में जरूर हम बांग्लादेश से पीछे होंगे लेकिन परचेजिंग पावर पैरिटी में हम बांग्लादेश से आगे हैं। छोटी सी एक बात कह के अपनी बात खत्म करूंगी, जो पर कैपिटा इनकम होती है वो दर्शाती है प्रॉस्पेरिटी इन अ कंट्री की। आप अपने नेशन में, अपनी कंट्री में, अपने देश में
अपनी करेंसी से किस तरह का खर्चा कर सकते हैं, उससे पता चलता है कितनी अमीरी गरीबी है, उसमें बांग्लादेश हमसे आगे है। और जिस बेवकूफी की बात भाजपा वाले कर रहे हैं परचेजिंग पावर पैरिटी, वो इंट्रिंसिक वैल्यू दिखाती है करेंसी की, कि आपकी करेंसी। मैं थोड़ा एक सेकंड के लिए सुप्रिया एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं, डॉलर हो उसके वीजा भी कहां है, एक सेकंड के लिए रोक रहा हूं। ये दरअसल ना ये परचेजिंग पावर पैरिटी जैसे टर्म है ना, मेरे दर्शकों के सर के ऊपर से चले जाते हैं। मैं बिल्कुल आसान भाषा में समझा दूं दर्शकों, परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होती है कि एक डॉलर है, एक डॉलर की वक्त हमारे देश में कितनी है, आप कितना सामान खरीद सकते हैं, उसकी वक्त बांग्लादेश में कितनी है या उसकी वक्त अमेरिका में कितनी है। अमेरिका में एक डॉलर का मतलब कुछ नहीं होता, हमारे लिए वो 75 रुपए है। तो भारत में डॉलर में कितना सामान खरीद सकते हैं और बांग्लादेश में कितना खरीद सकते हैं, उसका आकलन करके अब यह कहा जा रहा है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में अभी हम बांग्लादेश से ऊपर हैं। यह कंसोलेशन ढूंढी जा रही है सुप्रिया। वो करेंसी के लिए होता है, वो आपकी प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं है। मैं वही कह रही हूं, परचेजिंग पावर पैरिटी करेंसी की वैल्यू के लिए होता है, वो आपकी आम जनता की प्रॉस्पेरिटी के लिए नहीं है। आप सच स्वीकार ही नहीं रहे, आज भी आप कोविड के पीछे छुप रहे। अब असलियत का सामना कीजिए गोपाल बाबू, असलियत तो ये है कि इस कदर हमारी जो संकुचन हुआ है 24% का पहली तिमाही में, एक्सपर्ट्स तो कहते हैं जब रिविजन होगा तो 40% संकुचन होगा। और क्यों होगा, क्योंकि कोविड के पहले ही लगातार 8 तिमाही से हमारी जीडीपी की ग्रोथ की जो रेट था वो लगातार गिरता जा रहा है। सच तो ये है कि आपके महानुभावों ने, आपके नीति निर्माताओं ने ऐसी ऐसी नीतियां बनवाई कि डीमोनेटाइजेशन नोटबंदी के बाद से आज तक हमारा जीडीपी की ग्रोथ की दर थी वो आधी से कम हो गई। तो कहीं पर तो आप ब्लेम एक्सेप्ट करिएगा, आज भी आप सच से भाग रहे हैं। अगर आप मानिए कि बांग्लादेश जिनको आप दीमक कहते थे, उन दीमकों ने बड़ी तल्लीनता से अपनी इकोनॉमी पे ध्यान दिया और आज हमसे आगे बढ़ गए। और यह भी एक बात सच है कि जब यूएस और चाइना की ट्रेड वॉर चल रही थी, सबसे बड़ा बेनिफिट हमें होना चाहिए था, बेनिफिट किसको हुआ, बांग्लादेश और वियतनाम को, क्योंकि उन्होंने एकाग्रता से अपनी इकोनॉमी पर, अपनी अर्थव्यवस्था इस पर हमने चर्चा की है। बांग्लादेश मेक्सिको आप भूल गई, बांग्लादेश मेक्सिको और वियतनाम में ज्यादा इन्वेस्टमेंट चली गई, हमारे यहां नहीं आई। पर कलिकेश, और मैं बीजेपी कांग्रेस की जंग नहीं करवाना चाहता हूं, देखिए ये बड़ा गंभीर मसला है, बांग्लादेश भी हमसे आगे निकल जाए ये चिंता का सबब है कि नहीं, देश के लिए, हमारे नीति निर्धारकों के लिए, हमारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स के लिए। कलिकेश बिल्कुल ठीक है सर, बांग्लादेश जैसे देश को जो एक जमाने में भारत पर निर्भर करता था, डिपेंड करता था कि भारत से कुछ उनको इकोनॉमिक बेनिफिट मिले, उनका इकोनॉमी को कोई सहायता मिले, कोई हेल्प मिले, आज वही देश हमारे देश से आगे बढ़ रहा है। ये एक बहुत ही चिंताजनक बात है और ये एक ऐसा प्रमाण है जिससे हमारे देश के जो अर्थनीति है, हमारे देश के जो इकोनॉमिस्ट है, पॉलिसी मेकर्स है, उनकी विफलता का एक जीता जागता सबूत है। कुछ मिनट पहले जो आपके पैनलिस्ट बोल रहे थे कि ये हमारा देश का इकोनॉमी बढ़ेगा आगे वाले दिन में, 3-4 साल हो गए हम लगातार देखते जा रहे हैं कि देश की जीडीपी का जो ग्रोथ रेट है वो गिरता जा रहा है। और जितना हम लोग को बढ़ना चाहिए, जिस प्रकार से हमको रिफॉर्म करना चाहिए, जो हमको कदम लेना चाहिए, हमारे देश का वो बिल्कुल ही एक पैरालाइज सिस्टम हो रहा है के सेंटर में। नहीं, कलिकेश यहाँ पर गोपाल बाबू जो कह रहे हैं, देखिए लेबर रिफॉर्म्स हो रहे हैं, आईबीसी आ गया, कृषि को लेकर एक देश एक बाजार बनाया जा रहा है, चीजें नॉर्मलाइज की जा रही हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम अच्छी अब पोजिशन पर आते जा रहे हैं, तो रिफॉर्म्स तो हो रहे हैं, ये सरकार दावा करती है। देखिए गोपाल बाबू जी का अपना व्यू पॉइंट हो सकता है, लेकिन आज के माहौल में जो रिफॉर्म चाहिए क्या वो हो रहा है? अगर हो रहा था तो क्या हम स्थिति में रहते? आपने एग्रीकल्चर की बात की है, आज के दिन में अगर एक ही ग्रोइंग सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, क्योंकि आज तक कोविड से उसका इतना नुकसान नहीं हुआ है। लेकिन हम जानते हैं कि हमारा एग्रीकल्चर जो ग्रोथ रेट है 2-3%, 3.5%, मुश्किल से कभी 4% तक पहुंच सकता है। लेकिन हमारा जो 10% या 8% की हमारी एम्बिशन है ग्रोथ रेट का, वो तो सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग से आना है। लेकिन जिस प्रकार से हमने एग्रीकल्चर की बात की है, विदाउट एमएसपी सपोर्ट
क्या आज के दिन में हमारा एग्रीकल्चर इकोनॉमी बच सकता है? क्योंकि हमारे इतनी ही इनफिशियंसीज है, इकोनॉमी जो स्केल जो बोलते हैं इतना बुरा है, हमारा एग्रीकल्चर दूसरे देशों से, खासकर ब्राजील और चाइना की बात करो, उससे बहुत ही इनफिशियंट है। तो उसको हम लोग रिजॉल्व नहीं कर रहे, लेकिन हम लोग एमएसपी हटाने की बात कर रहे हैं और एक प्राइवेट सेक्टर की बाइंग की बात कर रहे हैं। तो हमें क्या, हम पर जो देश निर्भर रहता था बांग्लादेश, क्या हमें बांग्लादेश से भी सीखने की जरूरत है? मैं कुछ आंकड़े देख रहा था कलिकेश, औसत आयु, मतलब एक आम आदमी कितनी जिंदगी जिएगा, उसमें हमसे आगे निकल गया बांग्लादेश। शिशु मृत्यु दर जो है वो बेहतर है, कम 5 साल से कम उम्र के लोगों की मृत्यु दर वो बेहतर है, लेबर फोर्स भागीदारी दर वो बेहतर है, गरीबी रेखा से नीचे जो जनसंख्या है हमारी 20%, 21% है वहाँ 14%, हर मानक में लग रहा है कि बांग्लादेश हमसे आगे निकल गया। और हम ताल ठोकते रहे 5 trillion इकोनॉमी की, विश्व गुरु बनने की। देखिए, अगर बांग्लादेश अच्छा हमसे कर रहा है, जो कर रहा है हमसे, हमको दिख रहा है, हमको उनसे सीखने की जरूरत है। हमको ये नहीं मानना चाहिए कि ये छोटा देश है, हमारे एक जमाने में हमारे पर निर्भर करता था, हमारे से बहुत बात नहीं, बहुत से ट्रोल्स आपको और मुझको अभी देशद्रोही कह देंगे, ये बांग्लादेश में जाकर बस जाओ कलिकेश, इतना ही अच्छा लग रहा है तो बांग्लादेश, अभी आ जाएंगे ये मैसेजेस। देखिए, ट्रोलिंग से अगर इकोनॉमी का कोई सुधार होता तो बड़ी अच्छी बात होती, लेकिन आज के दिन में जो जिस प्रकार की हमको हमारी अटेंशन की जरूरत है इकोनॉमी पर, और जो बोल्ड रिफॉर्म्स चाहिए, खाली मार्केटिंग नहीं, खाली हैशटैग और मार्केटिंग कैचलाइंस नहीं, ठोस और पेनफुल रिफॉर्म्स की जरूरत है। या तो इस सरकार को उसके बारे में समझ नहीं है, या इस सरकार में उसकी उसको करने के लिए हिम्मत नहीं है। ये साफ सबूत मिल रहा है हमको आज की इकोनॉमिक स्टेट को देख के। आप कह रहे हैं कि हार्श रिफॉर्म्स की जरूरत है, मैं रिफॉर्म्स पर आऊंगा, पर फिस्कल स्टिमुलस, उससे पहले अभी तो जेब में पैसे डालने होंगे। ऑनिन पैसे डालेंगे तभी तो अर्थव्यवस्था का पहिया घूमेगा, बड़ी इकोनॉमीज पैसे दे रही हैं। अगर हम यूएस की भी बात कर रहे हैं, और कोई कंपैरिजन नहीं है साइज में, वो बहुत बड़े हैं, हम 7-8% पर उनके बराबर कभी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर वो 7 पर जा रहे हैं तो चीन के मुकाबले, चीन 7 पर करता है, हमें 35 पर ग्रो करना पड़ेगा। तो जो वो फिस्कल स्टिमुलस दे रहे हैं, हम दे पा रहे हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं दे पा रहे, लेकिन इसका जवाब देने से पहले मैं जरा आप एक जो आपने बात करी थी वो है परचेजिंग पावर पैरिटी वाली बात, उस पे सुप्रिया मेरी कॉलीग रही है पहले, लेकिन मैं उनसे थोड़ा अलग पोजीशन लेना चाहता हूँ यहाँ पर, जो कि बीजेपी के जो यहाँ पर प्रवक्ता आए हुए हैं, उन्होंने कहा कि परचेजिंग पावर पैरिटी के तौर पे भारत बांग्लादेश से आगे है। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी से हमें पता चलता है, परचेजिंग पावर पैरिटी का मतलब है कि अगर हम ले लें कि आम एक उपभोक्ता जो जो चीजें खरीदता है, सोच लीजिए कि चावल है, दाल है, सब्जियां हैं, लाइट इलेक्ट्रिसिटी बिल है, सबका एक बास्केट ले लीजिए, भारत में वो देने के लिए कितना खर्चा करना पड़ेगा, बांग्लादेश में कितना करना पड़ेगा और यूएस में कितना पड़ेगा करेगा, और उसको एडजस्ट करके यूएसडी में देखा जाता है। अब महंगाई दर हटाने के बाद ही हमको असली पता चलेगा और वो पीपीपी में हम आ सकते हैं, जिसको परचेजिंग पैर। और ये सही है, अगर हम देखें कि भारत का जो गैप रहेगा 2020 में, भारत का 2019 का जो डेटा है उसमें लगभग 6980 के आसपास, $6,980 के आसपास परचेजिंग पावर पैरिटी एवरेज, यानी कि औसतन एक भारतीय का होगा, यानी पर कैपिटा इनकम, वो गिरकर 6,280 हो जाएगा। अगर हम बांग्लादेश का देखें तो वो 5,217 से 5,138 पर आ जाएगा, यानी कि गैप रहेगा। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज कहना चाहता हूँ, ये जो बीजेपी कह रही है कि परचेजिंग पावर पैरिटी में हम बहुत आगे हैं, मैं दो आंकड़े आपको दूंगा। एक है कि 2014 और 19 के बीच में बिल्कुल यही डेटा, परचेजिंग पावर पैरिटी का डेटा है ना, बीच में बांग्लादेश का जो टोटल जो पर कैपिटा इनकम बढ़ा है लगभग 50% बढ़ा है, 2014 से 2019 के बीच हमारा 33% बढ़ा है। ठीक है, अगर मैं अगले साल का ले लूं, जब हम जैसे आप कह रहे गोता खा रहे, उसको ऐड कर लूं और 5 साल ले लूं 2015 से 2020-21, तो बांग्लादेश का 38%,
एक औसत बांग्लादेशी का जो परचेजिंग पावर है वो बड़ा है, बढ़ेगा, और हमारा सिर्फ 15% 5 सालों में। मैं बिल्कुल आसान भाषा में बोल दूं, एक सेकंड के लिए ऑन एंड रोक रहा हूं। हाँ, अगर मैं कहूं पिछले 5 साल में, फर्ज कीजिए 5 साल पहले 100 रुपए एक भारतीय की औसत आय थी, तो बांग्लादेशी की आय थी 60 रुपए। आज की तारीख में अगर भारत की औसत आय 100 रुपए है तो 101-102 रुपए होगी बांग्लादेश की। 5 साल पहले वो 40% नीचे था हमसे, अब बराबर आ गया। बाकी आंकड़ेबाजी कोई कुछ करता रहे, मैं बिल्कुल आसान भाषा में कह रहा हूं, गलत तो नहीं कह रहा। नहीं, और एक और चीज देखिए, जैसे कि जो बीजेपी के प्रवक्ता थे उन्होंने कहा कि मनमोहन सिंह का पीरियड आप छोड़ दीजिए, उसमें तो बहुत बुरा हुआ। मैं बांग्लादेश और भारत का परचेजिंग पावर पैरिटी, जो चीज बार बार बीजेपी और सरकार कह रही है, उसको कंपेयर कर लेता हूं। 5 साल यूपीए 2 का अगर एक भारतीय का 100 रुपए परचेजिंग पावर था तो बांग्लादेशी का 64 रुपए था औसतन। वो आकर बांग्लादेशी का अब 70% हो गया है और हमारा 100 के 100 पर है। अगले 5 साल का अगर आप देखें तो भारतीय का 100 अगर होगा तो बांग्लादेशी का 82 हो जाएगा। आप सोचिए कि ये परचेजिंग पावर पैरिटी है। ठीक है, परचेजिंग पावर पैरिटी की बात की, लेकिन इससे भी देखिए एक और जो अहम खबर है ना, प्रति व्यक्ति आय के मामले में हम 4th नंबर पर जा सकते हैं इसी खित्ते में। ऑनन मतलब श्रीलंका हमसे आगे है, मालदीव्स आगे है, बांग्लादेश भी आगे हो जाएगा। बिल्कुल, आंकड़ों में छुपने की जरूरत, थोड़ा हमें अपने गिरबान में झांकने की, समथिंग इज रॉन्ग, ये कहना गलत होगा क्या ऑनन? एक तो रॉन्ग है कि हमारे यहाँ पे कोविड ज्यादा है, हमारा पॉपुलेशन ज्यादा है, हमारे यहाँ पे रोकना मुश्किल है, बांग्लादेश में उतना नहीं हुआ है, ये सब सही है। इसमें कोई एक और चीज जो कहा जा रहा है कि भारत इंडिया विल बी फास्टेस्ट ग्रोइंग, 8.8% बढ़ेगा, लेकिन अगर मैं देखूं कि अगर 1000 रुपए 2019-20 मतलब पिछले साल किसी भारतीय के पास 1000 रुपए था तो 2 साल बाद वो जाकर बन जाएगा कितना, वो जाकर हमारा बन जाएगा 957 रुपीज। 8.8 बढ़ने के बाद भी, 8.8 बढ़ने के बाद भी वहां पे पहुंचेंगे, जबकि जो बांग्लादेश के लोग हैं उनका जाएगा 1084 पर। तो अगले साल स्लो ग्रोथ के बाद भी, क्योंकि इस साल ग्रोथ हो रहा है, ये बात बिल्कुल, ये बात समझने की जरूरत है। ऐसे में अरुण जैन मुझे ये बताइए, आप एक बिजनेस पर्सपेक्टिव मुझे दीजिए। सरकार ने 20,97,000 करोड़ का एक तथाकथित स्टिमुलस पैकेज दिया, उसमें 2,00,000 करोड़ स्टिमुलस था दरअसल, बाकी तरलता लिक्विडिटी दी गई, लोन्स दिए गए, एमएसएमई सेक्टर को पैसे दिए गए, पर यह अर्थव्यवस्था का पहिया क्यों नहीं घूम रहा है? जो आंकड़े हैं, आकलन हैं, वो और नीचे की तरफ जा रहे हैं। पहले कहा जा रहा था -4, -5, अब कहा जा रहा है -10, ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, मैं आपके इस सवाल का जवाब देने से पहले थोड़ा सा मैं अपने कुलीग्स जो डिस्कशन में हैं उनकी बात से कुछ सहमति और कुछ असहमति कर दूं। सबसे बड़ी बात यह है कि बांग्लादेश, क्योंकि मैं पैसिफिक रिम चैम्बर का प्रेसिडेंट भी हूं, जहां पे 52 चैम्बर है, बांग्लादेश का चैम्बर भी हमारा मेंबर है, तो उसके अंदर जाके हमारे को बहुत नई चीजें जानने को मिलती हैं कि वहां पे ग्रोथ क्यों हो रही है और हमारे यहाँ इतनी ग्रोथ क्यों नहीं हो रही है। अगर आप बांग्लादेश का देखें तो बांग्लादेश के अंदर जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट है वो 4.5% है, और सबसे बड़ी बात उसकी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, मैं आपको कुछ बहुत आसानी के आंकड़े दे रहा हूं, जीडीपी ग्रोथ रेट है वो पिछले 5 साल से 6.5% से ऊपर चल रही है, और बांग्लादेश दुनिया के 7 सबसे तेज देशों में से ग्रो करने वाले एक देश है। सबसे बड़ी बात, वहां पे जो आपकी एग्रीकल्चर इकोनॉमी है वो टोटल जीडीपी का 20% है, और इंडस्ट्री जो है वो लगभग 39.8% है। इसका मतलब ये है कि जो भारत का इंडस्ट्री का कंट्रीब्यूशन 16% रह गया है जीडीपी के अंदर, वहां पे लगभग 40% है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं वहां इंडस्ट्रियल ग्रोथ रेट, और बेरोजगारी कम है, 4% की बेरोजगारी दर बता रहे हैं, यहां पर 7 से 8 से 9, बीच में 20 से भी ऊपर चली गई थी। जी, और मैं सबसे बड़ी बात आपको बताता हूं कि वहां पे जो बैंक अकाउंट है, क्योंकि हम लोग बैंक अकाउंट की यहाँ पे बहुत बात करते हैं, जनधन जाम और पता नहीं क्या क्या, तो जो बैंक अकाउंट है, आप बैंक अकाउंट का सुनेंगे आंकड़ा तो बड़ा ताज्जुब करेंगे, वहां पे लगभग 38% डिजिटल पेमेंट हो रहे हैं। हम वहां पे अनपढ़ बोलते हैं उन लोगों को कि वो तो अनपढ़ है, मतलब बहुत
बांग्लादेशी हैं, 38% डिजिटल ट्रांजेक्शन होती है वहां के बैंकों में, वहां पे बैंक अकाउंट डोरमेंट जो है सिर्फ 10% है, 10% बैंक अकाउंट डोरमेंट है। आप अंदाजा लगाइए, ये जो मैं आंकड़े दे रहा हूं आपको सिर्फ आंकड़े नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये नहीं, नहीं, अहम बातें हैं, ये हमारे नीति निर्माताओं को, आम दर्शक को भी समझने की जरूरत है। सारी दुनिया भारत में नहीं सीखी हुई, हमें बाकी दुनिया से भी सीखने की जरूरत है। मैनसिंह चटगांव, आपका रेलवे ट्रैक, आपका सड़कें, आपके हाईवेज ऑलरेडी 16-16 लेन के और डबल ट्रैक है वहां पे। आप ये अंदाजा लगाइए वहां का जो टेक्सटाइल ग्रोथ है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं, अभी शेख हसीना जी आई थी पीछे, बांग्लादेश की ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर, और हमारे चैंबर ने उनको होस्ट किया था, तो वहां पे पीयूष गोयल जी भी थे, और पीयूष गोयल जी ने वहां पे एक सवाल उनसे पूछा था कि बांग्लादेश का गारमेंट सेक्टर इतना कैसे ग्रो कर दिया। आपको ताज्जुब होगा चौधरी साहब, हिंदुस्तान का एक्सपोर्ट गारमेंट का लगभग $8 बिलियन है साल का, पूरे साल का, हिंदुस्तान जैसे बड़े देश का, और बांग्लादेश का $32 बिलियन से ज्यादा है हमसे, 4 गुना। क्या सरकार जवाब दे नहीं है इसकी? बिल्कुल, सरकार को ये बातें सोचनी होंगी। इसीलिए देखिए, आप जैसे एक्सपर्ट्स को बुलाता हूँ। एक मिनट, अब गोपाल बाबू देखिए, अभी तो अर्थव्यवस्था की बात की, लेकिन ये मंदी के साथ महंगाई की मार, 7.34% की महंगाई दर, और सब्जियों की 21% के करीब, दालों की 15% के करीब, जब धंधा ही नहीं चल रहा, जब मांग नहीं है, तो ये महंगाई ऐसे इतना सर क्यों उठा रही है? मेरे से कह रहे हैं जी? जी जी, गोपाल बाबू आपसे ही सवाल है। हाँ देखिए, आप संदीप जी, एक बात है, सब लोग प्रश्न उठाते हैं और जवाब उसको देने के लिए आप समय नहीं देते। अच्छा, आप लीजिए ना समय, आप समय लीजिए। हाँ तो अब मैं, मेरे पहले के जो पैनलिस्ट ने 2-3 बात की, आपने सबसे बड़ी बात की कि बांग्लादेश के साथ कंपेयर कर रहे हैं, बांग्लादेश इतना ग्रो कर रहा है, हम क्यों नहीं इतने फास्ट ग्रो कर रहे हैं, पिछले 5 साल के सब डेटा है। इसका रीजन क्या था? सबसे बड़ी बात थी कि जो टेक्सटाइल की अभी बात अरुण जी ने की, वहां पे क्यों इतना बिजनेस चला गया इंडिया का और उनका, क्यों उन्होंने FTA साइन किया, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूरोप से किया, और हमने 2010 में क्या किया, हमने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आसियान कंट्री से कर दिया कि वहां से एक्सपोर्ट जो हो वो फ्रीली हिंदुस्तान में आए, और हम कोई बिजनेस, हमारी ट्रेड एंड इंडस्ट्री खराब हो गई। तो जब आप इन ऐतिहासिक पहलुओं को पूरी तरह से नकारेंगे तो फिर कैसे आप उस चीज को सही समझेंगे? आप, हमने अब FTA को बंद किया है हमारी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए, तो ये UPA का प्रश्न है, सुप्रिया जी से पूछना चाहिए कि 2010 में जब बांग्लादेश ने यूरोप से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया और हमने आसियान कंट्रीज से किया, जिससे हमारे देश की पूरी इंडस्ट्री को, मतलब हमारे देश में हर समस्या का कारण इतिहास के पन्नों में खोज लिया जाए, आप ये कह रहे हैं? नहीं नहीं, एक और संदीप जी पूरी बात अभी सुन लीजिए, चाइना की बात आपने छोड़ दी, 30 साल पहले चाइना और भारत की अर्थव्यवस्था लगभग बराबर थी, लेकिन हम लोगों ने क्या किया, आज चाइना कहाँ है और हम कहाँ है? इसका कारण ये था कि हमने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो किए, जैसे एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स है, लेबर रिफॉर्म्स है, GST के रिफॉर्म्स है, ये सारे 20-30 साल से कांग्रेस ने दबा के रखे हुए, तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। तो अगर इन चीजों को आप कहोगे कि गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी GST का तो पूरा समर्थन करते ही थे, तो GST के जो अपोजिशन था उन प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करके अरुण जी ने इंप्लीमेंट किया, तो आप प्रॉब्लम्स जो लोगों के कंसर्न है उसको सॉर्ट आउट नहीं करके आप GST, ठीक है, अब महंगाई के मुद्दे पे आ जाए, GST में जो अब 10 मिनट बचे हैं डिबेट में, महंगाई के मुद्दे पर आ जाए, महंगाई पर आप इतने आंदोलित हुआ करते थे, कहते थे, अब कहते थे कि देखिए महंगाई हमने कम कर रखी है, महंगाई अगर डिमांड नहीं होगी, कमी होनी चाहिए, पर यहाँ डिमांड नहीं है, महंगाई बढ़ रही है, 21% सब्जियों के दाम बढ़ गए, 15% दालों के दाम बढ़ गए हैं। देखिए वो एग्रीकल्चर रबी क्रॉप्स की जो बम्पर क्रॉप्स आ रही हैं, टेम्पररी, अगर ये फिनोमिना कमोडिटी प्राइस में साइक्लिकल होते हैं बीच बीच में,
लेकिन जैसे ये रबी क्रॉप की अभी प्रोक्योरमेंट सरकार केंद्र सरकार एमएसपी के तो अभी एक पैनलिस्ट ने कहा एमएसपी खत्म कर दी, इस तरह की झूठ बातें आपके चैनल पे चला देते हो। नहीं नहीं किसी ने कोई एमएसपी कोई खत्म नहीं हुआ है वो पता है, पर आप जो ये सीजनैलिटी की बात कर रहे हैं, एक मिनट गोपाल बाबू, क्योंकि आप अर्थव्यवस्था समझते हैं, जब आप ऐसी बात कहते हैं ना, कोई और आए प्रवक्ता आपका वो ये कहे सीजनैलिटी, आपको मालूम है ना, आम आदमी को नहीं मालूम, उनको मैं समझा दूं, अगर सितंबर का आंकड़ा आता है तो वो पिछले साल सितंबर की तुलना में महंगाई दर कंपेयर की जाती है, तो पिछले साल सितंबर में मौसम कुछ अलग हो गया था क्या? वही मौसम था, सितंबर 2019 के मुकाबले सितंबर 2020 में सब्जियों के दाम 21% बढ़ गए, 100 रुपए की जो सब्जी खरीद सकते थे 2019 में आज 121 रुपया देना पड़ेगा, दाल 100 रुपए की खरीद सकते थे आज 115 रुपया देना पड़ेगा, ये आप भी जानते हैं ना। नहीं संदीप जी, अगर अर्थव्यवस्था के कुछ अगर आप कह रहे फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया, अगर हमने आपने अभी फिस्कल पैकेज की बात की कि हमने ये फिस्कल पैकेज इतना क्यों किया, 21 लाख करोड़ का क्या क्यों, उसमें फिस्कल स्टिमुलस 3 लाख का है और कैश कंपोनेंट इतना है, डेट है, तो अगर फिस्कल डेफिसिट को हम कंट्रोल नहीं करेंगे तो महंगाई दर और भी बढ़ जाएगी, तो कोरोना के कारण हमारा फिस्कल डेफिसिट, ये तो टेम्पररी, फिस्कल कंट्रोल करेंगे तो महंगाई कंट्रोल में आएगी, ठीक है। तो आप कह रहे हैं सुप्रिया, एक सेकंड सुप्रिया, गोपाल बाबू कह रहे हैं वित्तीय घाटा बढ़ रहा है इसलिए महंगाई बढ़ रही है, वो ये बात मान गए, ये साल दर साल के हिसाब से तुलना होती है, सीजनैलिटी वगैरह रबी रूबी का इससे कोई लेना देना नहीं। कभी कभी मुझे लगता है कि मैं सुशील मोदी को सुन रही हूँ या गोपाल कृष्ण अग्रवाल को सुन रही हूँ, जैसे वो कहते हैं कि 15 साल में क्या हुआ, वैसे ये भी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने क्या कह रहे, मान्यवर 6 साल से आपकी सरकार है, कभी तो आप भी जवाबदेह बनिएगा या इतिहास के पन्नों में ही खो जाएगा, हमने कुछ नहीं किया, देश आजादी 2014 में हुआ, अब तो आगे की बात कर लीजिए गोपाल बाबू, आपसे ये आशा नहीं है कि आप इस तरह की बातें करेंगे जो आपके बाकी प्रवक्ता करते हैं। खैर, मेरी तो सरकार से कोई आशा नहीं है और इसलिए नहीं है संदीप जी, क्योंकि इन्हीं के कॉमर्स मिनिस्टर जो गोपाल कृष्ण अग्रवाल के बहुत अच्छे दोस्त और नेता हैं, पीयूष गोयल जी ने सीना ठोक के कहा था हमारे देश में ट्रेड सरप्लस हो गया है। अरे ट्रेड सरप्लस होना हमारे देश के लिए खराब बात थी, वो गलत खबर को सही समझ कर उसको अच्छा बता रहे थे, तो इन लोगों की समझ इतनी है। खैर, मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूं कि गोपाल बाबू इस बात का बात बताएं कि चाइना चाइना की बात करते हैं, पिछले 6 साल में हर व्यक्ति के ऊपर जो इंपोर्ट चाइना से होता था वो डबल हो गया है वैल्यू में, 3000 था अब 6000 हो गया है, उसका उत्तरदायित्व भी कांग्रेस के ऊपर डाल दीजिएगा, 6 साल से तो आप सरकार में हैं, आपने इतिहास के पन्नों को रीराइट कर नहीं, दिया। नहीं, मैं महंगाई पर अभी केंद्रित रहना चाहूंगा सुप्रिया, देखिए आम आदमी से जुड़ा सवाल है, एक मिनट सुप्रिया, आम आदमी से जुड़ा सवाल है, ठीक है, मैं भी देखिए वैसे ही तनख्वाहें कट रही है, नौकरियों पर तलवारें चल रही है, आम आदमी खर्च करने को अभी तैयार नहीं है, चाहे आप एलटीए के जरिए इन चीजों में आप पैसा देने को भी राजी हो रहे हैं, तो आम आदमी की जेब में पैसा पहले ही कम है, ऊपर से महंगाई की मार पड़ने लगी हो, मंदी के दौर में महंगाई, ये बड़ा खतरनाक सबब है। बिल्कुल, बहुत खतरनाक है, और इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि हमने आपके शो पर पहले भी डिस्कस किया है कि कैसे ईपीएफ से लोगों ने पैसा निकाला है, ये उनकी भविष्य की पूंजी थी जिसको निकालकर लोगों ने खर्चा किया, इस तरह की दिक्कतें आई हैं लोगों के सामने। 7.34% रिटेल इन्फ्लेशन आरबीआई की कंफर्ट जोन से बाहर है, एक बात तो साफ है कि अब मॉनिटरी रूप से कुछ नहीं हो सकता, जो होना है वो फिस्कल मेजर पर ही होना होगा, और इस समय जब हालात इतने बदतर है तो आप इसके पीछे मत छुपिए गोपाल बाबू कि फिस्कल स्टिमुलस तो हम और नहीं दे सकते क्योंकि फिस्कल डेफिसिट बढ़ गया है। अरे ये आपने ईपीएफ की भी बात कर दी, एक सेकंड कलिकेश, ईपीएफ की भी बात की है अभी सुप्रिया ने, जो मेरी जानकारी है मार्च अप्रैल के बाद अभी ईपीएफ में जो इंटरेस्ट पेमेंट आती है वो भी नहीं आई है, आम आदमी के पास पैसे की अभी कमी है या है भी, वो खर्च नहीं करना चाह रहा है, ऊपर से महंगाई की मारी है, डबल वैमी हो रहा है क्या? बिल्कुल डबल वैमी हो रहा है सर, देखिए आप सरकार की बात करें तो सरकार की तरफ से जो सैलरीज आने चाहिए, जो ईपीएफ का पेमेंट आना चाहिए, इंटरेस्ट आना चाहिए, वो सब में डिले है, और अगर आप प्राइवेट सेक्टर की बात करें, उनका जो हाल हो रखा है पिछले 3-4 महीने का, जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन हुआ था इनिशियल फेज में, तो सारे काम धंधे सब बंद हो गए थे, इसकी शायद उस समय जरूरत नहीं थी, लेकिन प्राइवेट सेक्टर के जो कंपनीज भी हैं उन्होंने भी सैलरीज को 50% 30% 40% में रिलीज करना शुरू करा है।
और उसके वजह जब आम आदमी जो बढ़ाई हुई है प्राइसेस में, जो इन्फ्लेशन हुआ है, जो कि एक अनएक्सप्लेन फिनोमेना है हमारे ख्याल से, जब आप डिमांड आप बोलते हो लो है और आप परचेजिंग पावर नहीं है लोगों के बीच में, सप्लाई साइड के बॉटलनेक्स जो सरकार बोलती है उन्होंने हटा दिया है, तो इतना इन्फ्लेशन क्यों हो रखा है मेरे को तो समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन जो भी हो, आपने कुछ एक्सप्लेनेशन इस पर दिया है, जो आम आदमी आज के दिन में घूम रहा है गांव में या शहर में, तो उसके इतनी प्रॉब्लम्स हुई है कि एक जो आशा रहती है उनकी सरकार की तरफ से, हो राज्य हो या केंद्र हो, कुछ सहज मिले, कुछ सहायता मिले उनको, वो आज के दिन में कहीं दिख नहीं रही है। अभी तो जीएसटी के पैसों पर भी लड़ाई चल रही है, कुछ मान गए हैं, कुछ सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं, राज्यों के पास पैसे नहीं होंगे, वो अपने एम्प्लॉयज़ को तनख्वाहें कैसे देंगे, विकास की बात तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाती है ऑनन। तो दरअसल बात घूम फिर कर आ जाती है इसको लेकर जो मैं आपसे पहले भी पूछ रहा था, आम आदमी की जेब में कुछ पैसा डालना पड़ेगा ना, इज देयर एनी एस्केपिंग इट, इस हकीकत से बचा जा सकता है क्या? बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं यहाँ पर वो कह रहे थे कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बढ़ाया गया है कोविड 19 के चलते, खर्चा ज्यादा किया गया है और इसके चलते अभी महंगाई बढ़ रही है, आपने अभी सुना उन्होंने कहा ये बात। लेकिन अगर हम डिटेल देखें कि खर्चा किस पे, महंगाई किस चीजों में बढ़ी है, महंगाई खाने के चीजों में बढ़ी है ना, बाकी अगर हम क्लोथिंग देखे, फुटवेयर देखे, हाउसिंग देखे, ये सब में महंगाई दर सिर्फ 2% है, 2.5-3%, जो कि काफी कम है, ज्यादा नहीं है। तो आप देखिए कि क्या सरकार कह रही कि लोगों के हाथ में पैसे देने से वो इतना खाना खा रहे हैं कि खाद्य के दाम बढ़ गए क्या वो कह रहे कि लोग लोन लेकर खा रहे, बहुत खा रहे, क्या ये कह रही है? बहुत सब्जियां खा रहे हैं आजकल, हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग, तोरी, टिंडे, घिया, लौकी सब खा रहे हैं। नहीं, दूसरी बात है, आप देखिए कि सरकार ने खुद कहा है कि 80 करोड़ लोगों को फ्री राशन पहुंचाया गया है, 80 करोड़ लोगों को सब्सिडाइज राशन पहुंचाया गया है। अगर ये है तो फिर तो दाम कम होने चाहिए, क्योंकि लोगों का अगर ज्यादा से ज्यादा जो रिक्वायरमेंट होता है, 5 किलो, अगर आप देखें 5 किलो पर हेड मिल रहा है, मतलब 400 ग्राम आपको मिल रहा है एक एक फैमिली को, साथ में अगर मैं 7 किलो सब्सिडाइज्ड ऐड कर लूं, तो फिर तो प्राइस कम होने चाहिए ना। अगर सरकार ने लोगों के हाथ में खाना दे दिया है तो फिर तो वो मार्केट से नहीं खरीद रहे हैं। तो महंगाई बढ़ना भी एक चिंता है। लेकिन आखिरी सवाल, आपके पास 45 सेकंड है अरुण जैन, फिस्कल स्टिमुलस चाहिए अभी देश की अर्थव्यवस्था को किक स्टार्ट करने के लिए, तत्काल क्या करना होगा? अभी तक जो कदम उठे हैं उनका असर नहीं दिख रहा है, ये बात तो एक साफ आ रही है सामने। संदीप जी, इसके अंदर दो चीजें हैं, एक तो फिजिकल इंसेंटिव जो है वो अब काम नहीं करेगा, क्योंकि सरकार के पास देने के लिए ज्यादा पैसा नहीं है, ये बात हम भी बहुत अच्छी तरह भली भांति जानते हैं। जहां तक इंडस्ट्री को और देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पे लाने का सवाल है, सबसे बड़ी चीज है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना, सप्लाई चेन को बनाए रखना। आने वाले दिनों में मैं देख रहा हूं जिस हिसाब से एजिटेशन और ये सब हो रहे हैं, सप्लाई व्यवस्था टूटने वाली है, और इस सब चीजों को देखते हुए फिजिकल स्टिमुलस जो है देश के अंदर बहुत बड़ा नहीं आएगा, सिर्फ नॉन मॉनेटरी पॉलिसी चेंजेस आएंगे, हमें ये बात समझ में आनी चाहिए, जिसमें अगर मैं सरल भाषा में कहूं कि पैसा नहीं मिलेगा आपको, सिर्फ कानूनों में फेरबदल करके आपको कुछ सहूलियतें दी जाएंगी, तो रिफॉर्म्स किया जाएगा, पैसा तो नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे अहम बात आपने कह दी, शांति कायम रखनी होगी, अमन भाईचारा कायम रखना होगा देश में। अगर आंदोलन होंगे, एजिटेशन होंगे, लोग सड़कों पर आएंगे, तो जो ये सप्लाई का पहिया, अर्थव्यवस्था का जो पहिया है, ये चलने लगा है थोड़ा बहुत, ये फिर रुक जाएगा, इस पर भी गौर कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार। सबसे बड़ा